सांबर को धीमी आंच पे जितनी ज्यादा देर पकाएंगे सांबर उतना ही टेस्टी बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल सांबर। आज के सांबर की रेसिपी में हम सांबर मसाला जो है वो घर पे बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो अब सांबर बनाने के लिए आपको सांबर मसाला खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे घर पे बनाएं और स्टोर करके महीनों तक यूज करें। तो चलिए आज के होटल स्टाइल वाले सांबर की रेसिपी को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप तुअर यानी अरहर की दाल ले लेंगे, और इसके बाद हम इसे पानी में भिगो देंगे। तो जितना में दाल डूब जाए उतना पानी इसमें डाल दें, और इसके बाद दाल को हम 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा इसे नहीं भिगोए। तो यहाँ पे आप चाहिए तो इसे कवर कर दें या फिर ऐसे ही रख दें। 15 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इस दाल का पानी निकाल लेंगे, और उसके बाद इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, दाल को वॉश कर लिया है, तो ये दाल जो है वो प्रेशर कुकर में डाल देंगे। पहले हमें दाल को उबाल लेना है, उसके बाद हम सांभर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सारा दाल मैंने इसमें डाल दिया है, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो 2 कप के करीब इसमें पानी डाल दें, 1 कप दाल के लिए 2 कप पानी यूज़ करें। पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। तो आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हल्दी डाल दें और 1 छोटा चम्मच नमक डाल दें। आप चाहिए तो बिना हल्दी और नमक के भी इसे उबाल सकते हैं। हल्दी नमक डालने से दाल जो है वो प्रेशर कुकर से बाहर नहीं आता। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें, और इसके बाद मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 सीटी आराम से लगने दें। हमें दाल को नॉर्मल कुकिंग से ज़्यादा पकाना है, मतलब थोड़ा सा ओवर कुक करना है। तो यहाँ पर 5वीं सीटी लगी और ये 6वीं। बस यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे, और उसके बाद प्रेशर कुकर को खुद ही ठंडा हो जाने दें, बीच में आप इसे नहीं खोलें। तब तक हम क्या करते हैं कि सांभर मसाला बना लेते हैं। तो जब तक प्रेशर कुकर ठंडा हो रहा है, तब तक गैस पे एक पैन रखा है मैंने, इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल दें, 1 बड़ा चम्मच धनिया डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर सरसों के दाने डाल देंगे, 3 से 4 सूखे लाल मिर्च डाल दें, 1 बड़ा चम्मच बिना छिलके वाली उड़द की दाल डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें चना का दाल यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये चना का दाल डाल देती हूँ, 10 से 12 साबुत काली मिर्च डाल दें, 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पे मेथी के दाने डाल देंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा सूखा नारियल डाल देंगे, तो यहाँ पे ये कटा हुआ सूखा नारियल है, और लास्ट में इसमें करी पत्ता डाल देंगे। अब हम इन सबको 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेंगे। मसालों से जब अच्छी खुशबू आने लगे या फिर दाल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तभी हमें गैस को बंद कर देना है। तो ये हमारे मसाले जो है वो पक गए हैं। आप देख सकते हैं दाल का कलर पहले से ब्राउन हो गया है। तो इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, गैस को बंद कर दें और इन मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर ले, उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लें। पूरा ठंडा ना होने दें, हल्का सा ठंडा हो जाए तब ये ग्राइंडिंग जार में डाल दें, और इसमें अभी हल्दी पाउडर और हींग बाकी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मसाले डाल देंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे हींग। तो यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच के करीब हींग डाल दें इसमें, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। बस ये हमारा सांबर मसाला रेडी है। तो जार का ढक्कन बंद करें और इसके बाद इसका पाउडर बना लें। तो आपने देखा कि सांबर मसाला बनाना कितना आसान है। बस सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करें और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट तक भून के इसका पाउडर बना लें। तो आप इस मसाला को ऐसे ही यूज़ करें, और जो बचा हुआ मसाला है उसे आप किसी कांच के बर्तन में रख के और आप उसे 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अगर आपको ख़राब होने का डर लगता है तो आप इसे फ्रिज में रख दें। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी होममेड सांबर मसाला रेडी है। अब हम चलते हैं सांबर बनाने के प्रोसेस में। तो सांबर बनाने के लिए 1 कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें राई या सरसों डाल देंगे। तो 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे राई या सरसों के दाने डाल दें, फिर हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 सूखे लाल मिर्च, इसके बाद 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दें, और इन सबको थोड़ा सा पका लें। जैसे ये थोड़ा पक जाएगा हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। तो यहाँ पे करी पत्ता डाल दिया मैंने, इसके बाद हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। तो सब्जियों में मैंने टमाटर, यहाँ पे लौकी, कद्दू लिया है मैंने, प्याज लिया है, यहाँ पे ड्रमस्टिक, और ये गाजर लिया है मैंने। तो सबसे पहले तेल में प्याज डाल देंगे, और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। सांभर बनाने में आप अपने पसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें पपीता ऐड कर सकते हैं, बैंगन ऐड कर सकते हैं। तो प्याज को हमने भून लिया है, अब हम इसमें बाकी की सब्जियां डालेंगे। तो टमाटर छोड़ के बाकी सारी सब्जियां यहाँ पे एक साथ डाल दें, टमाटर हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये सब्जियाँ डाल दी मैंने, अब हम इसे मिला के 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। पहले हमें सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेना है, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे सब्जियों को हमने पका लिया है थोड़ा सा, तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने यूज़ किए हैं, टमाटर डाल दिया मैंने। अब हमें टमाटर को भी भून लेना है सब्जियों के साथ। तो जब तक टमाटर जो है ना थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें उसे पका लेना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और इसे पकने दें। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमली का पानी डालेंगे। तो इमली का पानी मैंने पहले से भिगो के रखा था, यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच इमली का पानी डाल दें,
और इसके बाद इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। अभी हमें इन सब्जियों को इमली के रस में पका लेना है, तो यहाँ पे मिला दें इसे अच्छे से और 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि सब्जियाँ जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे छोड़ दिया मैंने इसे। 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि सब्जी पहले से ज़्यादा पक गई है, हमने पहले से उसे फ्राई कर लिया है प्लस इमली के रस में पकाया है, तो हम इसमें मसाले डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो मिर्ची का इस्तेमाल कम करें। अब हम हल्दी और लाल मिर्च को तेल में थोड़ा सा पकने देंगे, तो गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखें और इसे पक जाने दें। जैसे ही हल्दी लाल मिर्च पक जाएगा, मसालों और सब्जियों का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें सांभर मसाला पाउडर डालेंगे। अगर आपको होममेड नहीं बनाना है तो रेडीमेड जो मार्केट में आता है वो वाला सांभर मसाला आप इसमें 2 बड़े चम्मच यूज़ करें। हमने यहाँ पे होममेड बनाया है तो यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला डाला मैंने, मिला दें इसे। तो ये हमारा सांभर का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें दाल डालेंगे। तो दाल को हमने पहले से उबाल के रखा है, तो यहाँ पे ये दाल डाल दें। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। यहाँ पे दाल डालने के बाद पहले मसालों और सब्जियों को अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल कितना गाढ़ा है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के जैसे सांभर की कंसिस्टेंसी होती है ना, वैसा इसे बना लेंगे। तो पहले यहाँ पे आधा कप पानी डालती हूँ मैं, मिला दें इसे। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं मिलाए, क्योंकि अगर ये पतला हो जाएगा तो इसे गाढ़ा करना मुश्किल है। सांभर को हमें लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट पकाना है, इसलिए यहाँ पे 1 गिलास पानी और ऐड करती हूँ मैं। तो यहाँ पे टोटल 1.5 कप पानी ऐड किया मैंने। उसके बाद नमक डाल देंगे। ध्यान रहे कि नमक हमने दाल को उबालने में भी यूज़ किया है, तो नमक का इस्तेमाल कम करें। अब हम इसे ऐसे मिला देंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट पकने दें। आप चाहिए तो पैन को कवर कर सकते हैं। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सांभर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो अगर आपको ये जो सांभर का टेक्सचर है ना वो और स्मूथ चाहिए, तो यहाँ पे ये दाल घोटनी जो आती है ना उसे ऐसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दें। अगर आपको सांभर और भी पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा सांभर जो है उसका टेक्सचर स्मूथ हो चुका है, तो 5 मिनट और पकने दें। सांभर को धीमी आंच पे जितनी ज़्यादा देर पकाएंगे सांभर उतना ही टेस्टी बनेगा। तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसे आराम से पकाएं। तो ये हमारा सांभर जो है वो रेडी हो चुका है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। तो यहाँ पर ये बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें और धनिया पत्ता डालने के बाद इसे मिला देंगे और धनिया पत्ता का जो फ्लेवर है वो सांभर में आ जाए तो उसके लिए आपको 2 मिनट और पकाना पड़ेगा। तो दाल डालने के बाद आप इसे 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे पकाएं। तो ये हमारा सांभर जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं टेक्सचर जो है वो एकदम रेस्टोरेंट जैसा है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सब्जियों को प्रेशर कुकर में नहीं पकाया है, तो सब्जियाँ इसमें दिख रही है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में दाल के साथ पका लेंगे तो सब्जियाँ जो है वो ज़्यादा पक जाती है और फिर पूरा हलवा जैसा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप सब्जियों को ऐसे फ्राई कर लें, उसके बाद दाल में डालें। तो ये हमारा होटल स्टाइल सांभर जो है वो रेडी हो चुका है, जिसमें हमने मसाला घर पे बनाया और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बनाई। तो आप इस सांभर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये सांभर आपको बहुत पसंद आएगा।